Mahabari Tahat Jo Desh Ki Uniform Sewaye Hai Us Uniform Sewaon Ke Kuch हीरों को चुनकर उसमें से कुछ शहीद हुए हैं कुछ मौजूद हैं उन लोगों को देश की जनता के सामने उनकी यादें रखने का एक प्रयास इंपल मिशन की ओर से हुआ ये प्रयास जो आज की सरकारों को करना चाहिए वो काम डॉक्टर अनिल जी मुरारका ने किया है और मैं मानता हूं कि मुंबई की नगरी हिंदुस्तान की आर्थिक नगरी कहा जाती है वहां पर भी ऐसे संत अनिल जी जैसे जो लोगों की दुख और दरिद्र की चिंता करने वाले बैठे हैं इसीलिए मैं महाराष्ट्र की इस धरती को भी नमन करता हूं धन्यवाद करता हूं फॉरमोस्ट गुड आफ्टरनून टू ऑल माय मीडिया फ्रेंड्स द फैक्ट इज इट्स नॉट अबाउट व्हाट एम्पल मिशन हैज डन एक थॉट था हमारे दिमाग में जहन में कहीं पे कि भाई हमें कुछ उन वीरों के लिए कुछ करना चाहिए जो आज देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं आई एम रियली ग्रेटफुल इंडेप्टेड टू द ऑलमाइटी एंड माय पेरेंट्स एट लार्ज माय फैमिली फॉर श्योर हु हैव रियली अलाउड मी टू टेक ऑल दी स्टेप्स फॉरवर्ड आप ये यकीन माने आज एक अवार्ड शो आप करते हो इट्स नॉट जस्ट एन अवार्ड शो आज उसको कंप्लीट करने में काफ़ी मेहनत लगती है इट टेक्स मंथ्स टुगेदर टू रियली गैदर सच पीपल ब्रिंग देम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म बिकॉज इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेट आवर इनिशिएटिव्स आर पैन इंडिया एंड वी रियली लुक एट इट इन अ वेरी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इट्स नॉट अबाउट गेटिंग पब्लिसिटी आउट ऑफ इट एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल इट्स recognizing these brave hearts of the Indian soil jinhe hum bhool chuke hain wo aaj gumshuda hain unhe wapas live karna aur awam tak pahunchana ki bhai hum wo chehre jinhe in veeron ko 365 din yaad karna chahiye we cannot be restricted to just one day aaj aap aur main jo aaj aaram ki zindagi basar kar rahe hain वो इन वीरों की वजह से इंडेप्टेड टू द कोर टू द यंग टीम ऑफ एम्पल मिशन जो इतनी डेडिकेटेड है शिद्दत से काम करती है एंड आई एम रियली टेलिंग यू आज जो आप फनकार भी आप यहाँ आए हमारी बॉलीवुड के जो लोग फेसेस थे मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर एक छुट्टी के दिन भी दे टुक टाइम आउट टू कम फॉरवर्ड एंड रियली come forward for these brave hearts to applaud them main bilkul bau ji ka ehsan mand hu jinhone samay nikala khali is cheez ke liye ahmedabad se wo idhar aaye aur ek aashirwad ke swaroop unhone bilkul kaha jab din maine pehle din unko phone kiya ki nahi beta tum chinta na karo main pakka tumhare saath hu aaj bilkul dekhiye इनके बिना ये चीज अधूरी होती है अनिल सर मुझे पूछना था कि फिल्मी अवार्ड शो
देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं ये आज नहीं शुरू से बोलता आया हूँ कि यूथ ऑफ टुडे इज अ पावर हाउस, उसका एक आपने स्वरूप आज भी देखा। मैंने बिल्कुल वहाँ लाउड एंड क्लियर कहा था कि अनिल मुरार का अकेला कुछ नहीं कर रहा है, आपको एक फेस चाहिए। मैं जस्ट अ फेस ऑफ द कंपनी, लेकिन पूरा जो काम कर रहे हैं वो ये पूरा यूथ कर रहा है। इट्स फैंटास्टिक, इनको अगर आज प्रॉपर राह दी जाए दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। बिल्कुल आप तो दुरुस्त फरमाया दोस्त। अवार्ड्स मैंने जैसे कहा इट्स अ रिकग्निशन, वो एक जरिया है आपको एक पहचान दिलाने का जो आप पहचान भूल चुके हैं। हमारा ये प्रयास पक्का रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा कि उन फैमिलीज के लिए हम कुछ करें जो आज गुमराह हो चुकी हैं या गुमशुदा हो चुकी हैं। कोशिश पक्का करते हैं कि उन्हें कुछ तरीके से जगह पे प्रोफाइल दिया जाए, अगर उन्हें आज जॉब की ज़रूरत है कि वो जॉब उनको दिया जाएगा। मैं वो खुद इस चीज़ को आगे लेके बढ़ेंगे और इंश्योर करेंगे उनको वो जॉब प्रोफाइल में आ जाए। तो दैट इज़ द क्रक्स। मैं ये नहीं बोल रहा, आप ये बोलो कि सरकार क्या कर रही है, सरकार अपना काम पूरा कर रही है। देखिए आप ये नहीं बोल सकते सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं अगर एक आम आदमी एक अगर उस चीज़ का जरिया बन सकता हूँ किसी के लिए कुछ करने का, वो एक मुहिम हमने उठाया है और मैं आपको अश्योर करता हूँ हम पूरा करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस के सारे फनकारों का अवार्ड दिया गया। कैटेगरी मतलब आप सोचिए, जब आर्म फोर्सेस बोल रहा हूँ तो वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, फायर डिपार्टमेंट है, ऑल आर्म फोर्सेस। जैसे बाबूजी ने दुरुस्त फरमाया, जो आज सिपाही हैं देश के हर कैंप के सिपाही, उनको सबको सम्मानित करने की कोशिश की गई। इट्स अगेन आई एम टेलिंग यू, इट वॉज अ पैन इंडिया थॉट। इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेट लेके नहीं चले हम, इट हैज़ टू बी थ्रू आउट इंडिया। ये फनकार हर जगह हैं, तो वी टारगेटेड अकॉर्डिंगली एंड गॉड वॉज काइंड कि वी कुड डिलीवर इट। ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और मेरे को पता है तब तक इस शहीद हुए परिवार, हमारे सैनिकों के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है। किसी को पेट्रोल पंप की एजेंसी देते हैं, किसी को गैस एजेंसी देते हैं, किसी को ज़मीन भी मिलती है। तो इसमें कई पहलू हैं, सरकार अपने पहलू से विचारती है और देती भी है। यदि वहाँ कमी है तो सरकार को ये सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। जब वो शहीद होता है, रिटायर्ड होता है, तो सरकार की ओर से ये मुआवजा मिलता है। ये पाबंदी है कानून में, हमारे बंधारण में है। इसीलिए कोई ऐसा कहे कि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, ये तो हमारे बंधारण में जो लिखा है वो तो मिलता ही है, संविधान में ही है। इसके लिए आप ये सोचो मत। इट्स वेरी सिंपल, आज हम इतना आसान है बोलना कि सरकार क्या कर रही है। हर देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम कुछ कर सकें तो हमें आगे बढ़ के करना चाहिए। मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, हम बोलते हैं सरकार ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इट्स नॉट दैट। आपने आया, मैंने क्या किया देशवासियों के लिए? लेट्स कम टुगेदर, डू समथिंग फॉर द कॉन्टिनेंट, एंड आई एम टेलिंग यू द वर्ल्ड विल बी अ फैंटास्टिक प्लेस टू लिव इन। सिंपल, आज आप जाइए, हम भाऊजी
हम अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड जाते हैं, एक प्रथा चली हुई है कि जब आप आज सब सिंगापुर गए, आप यूके गए, कहीं भी गए, जब आप कोई फौजी को देखते हो, कोई पुलिस अफसर को देखते हो, तो आप एक अपलोड करते हो उनको। वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? वो हमारा कर्तव्य है कि हम जब भी कोई ऐसे आर्म फोर्सेस के सरकार सिपाही को देखते हैं, हम उन्हें एक्नॉलेज करें। इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू देम कि यस, दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड टुवर्ड्स सोसाइटी एट लार्ज। मेरी जड़ें मेरे दादाजी जो आज दुनिया में नहीं हैं, मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा, उसके बाद पापा से आज सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। एक जुनून है कि अगर कुछ हम देश के काम आ सकें तो हम कुछ आगे बढ़ के करें। लेट्स नॉट वेट फॉर एनी बडी, लेट्स डू समथिंग वट एवर बेस्ट वी कैन विद इन आवर कैपेसिटीज। दैट्स वॉट वी हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट। फैक्ट है, कुछ दिनों पहले मुझे पूछा गया मेरे मीडिया दोस्तों के द्वारा, मैं गोरेगांव बंबई में रहता हूँ, मुंबई में, हाईवे से हार्डली कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ऐसे कस्बे हैं, आदिवासी गांव हैं, जहाँ ना आज तक बिजली है ना पानी है, बिल्कुल आ रहे हैं। तो मैं ये दोष दूँ सरकार को, इट्स नॉट फेयर। सरकार अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, वो वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा है वो देखना ज़रूरी है। हमने एक और मुहिम उठाया कि भाई ठीक है, आज वहाँ बिजली नहीं है, हमने वहाँ सोलार की प्रोविज़न कर दी है। अगर हम कर सकते हैं तो कर कुछ रहो, कोई आपको बोल नहीं रहा कि करना ही आपको, आपकी ड्यूटी आप कर सकते हो तो कर लीजिए, कोई आपको बांध नहीं रहा है कि आपको करना ही है, तो दैट्स इट। आप या मैं अभी एक आपको एक उदाहरण के तौर पर दूंगा, डोनेट अ कॉइन, एक थॉट लिया है अभी भी इन बच्चों ने आज, विच वॉज द कॉलेज विच परफॉर्म्ड फ्रॉम पवई, एस एम शेट्टी कॉलेज, इट वॉज अ फैंटास्टिक थॉट। जब मैं वहाँ गया तब मुझे पता चला उन्होंने इस साल से एक मुहिम शुरू किया है, डोनेट अ कॉइन। आज आपने कोई गलती की, कोई किसी बच्चे ने या किसी बच्चे ने कुछ कीर्तिमान हासिल किया, वो कुछ भी जो चाहे, उधर एक मनी बॉक्स रखा हुआ है, ही हैज टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट समथिंग फॉर द आर्मी आर्म फोर्सेस, फैंटास्टिक। तो ये चीज नाउ वी आर टेकिंग इट अप एट एम्बल मिशन, लेट्स बिकॉज प्रोमोट इट थ्रू आउट द यूथ टू डिफरेंट कॉलेजेस टू डिफरेंट स्कूल्स, कि लेट्स डू दिस, इट विल मेक अ डिफरेंस। ये प्लेटफॉर्म इलेक्शंस का नहीं है दोस्त, लेट्स टॉक टू अवर हार्ट, ये प्लेटफॉर्म नहीं है। थैंक यू सो मच।